केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। लोकसभा में पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की मांग उठी है। गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 के डिबेट के दौरान केंद्र सरकार से मांग उठाई है। सांसद ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 18 वर्षों से भारत सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सांसद ने लोकसभा में कहा है कि कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना विश्वविद्यालय आज उपेक्षित पड़ा है। 1917 में यानी 107 वर्ष पहले इस सिद्धांत के साथ स्थापित की गई कि सत्य की खोज करने की इच्छा आपकी परिभाषित खोज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 181.58 एकड़ में फैले भारतीय उपमहाद्वीप का सातवां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 2019 में एनएसई ने भी B+ ग्रेड से भी सम्मानित किया था, लेकिन आज तक इस पर भारत सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। सांसद ने कहा है कि भारत हमारे प्राचीन काल से शिक्षा के क्षेत्र में एक हब रहा है, जहां तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय थे और यहां से ज्ञान लेकर अपने चरित्र और करियर का निर्माण करते थे। युद्ध क्षेत्र हो या विज्ञान हो या फिर चिकित्सा हो, सभी में अपने देश का एक अलग स्थान था। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है कि भारी संख्या में हमारे बच्चे दूसरे देशों में शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं? सांसद ने लोकसभा में छात्रों के पलायन से संबंधित एक आंकड़ा भी पेश किया है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि सांसद ने कहा है कि वर्ष 2023 के आंकड़े के अनुसार 15 लाख भारतीय छात्र विदेश में पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। आज विश्वविद्यालय में कॉरपोरेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साधारण गरीब सभी वर्ग के छात्र हायर डिग्री आसानी से कम खर्चे में लेते हैं, जो अब कठिन होता जा रहा है। धन्यवाद सभापति महोदया कि आपने मुझे द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने का मौका दिया। इंडिया हमारे प्राचीन काल से शिक्षा के क्षेत्र में एक हब रहा है, जहां तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, पल्लवी विश्वविद्यालय थे और देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश के बच्चे भारी संख्या में दूसरे देशों में जाकर पढ़ रहे हैं और पलायन कर रहे हैं? वर्ष 2023 का आंकड़े के हिसाब से लगभग 15 लाख बच्चे हमारे इंडिया से बाहर दूसरे देशों में ऊंची शिक्षा के लिए जा रहे हैं। इसके संबंध में मेरा एक ये कहना है कि इस यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल में मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3G में जो कॉरपोरेट वर्ड का उपयोग किया गया है उसे बदल कर सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया जाए। महोदया, मतलब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल 4 एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, जिसको सभी देशों ने वर्ष 2030 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। लेकिन यह तभी संभव है जब शिक्षा सस्ती हो और गरीब बच्चों के लिए, आदिवासी और SC/ST बच्चों के लिए सुविधाएं दी जाए। इसलिए महोदया, मैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2033 में यह सुझाव देना चाहता हूँ कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 में प्राइमरी शब्द को बदल कर ओनली शब्द को शामिल कर दिया जाए। महोदया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 18 वर्षों से भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाने वाला पटना विश्वविद्यालय, जो 2017 में यानी 107 वर्ष पहले इस सिद्धांत के साथ स्थापित की गई थी कि सत्य की खोज करने की इच्छा आपकी परिभाषित खोज होनी चाहिए, जो आज 181.58 एकड़ में फैले हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप का सातवां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन इसको सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया। ये दुख की बात है महोदया, जिसे NAC ने भी 2019 में B+ ग्रेड का दिया था, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। आता माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा मेरा आग्रह है कि मंत्री जी बिहार से पूरी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए उनसे निवेदन होगा कि
सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने के दर्जा का हम लोगों के निवेदन को और आवेदन को स्वीकृत करें। महोदया, नीति आयोग ने 3 ईयर्स एक्शन एजेंडा में कहा है कि द क्राइसिस इन हायर एजुकेशन इज परहैप्स वर्स देन द स्कूल सिस्टम। नीति आयोग के अनुसार कुछ सरकारी यूनिवर्सिटी को हाई फंडिंग किया जाए ताकि वहाँ सुविधा बढ़े और गरीब बच्चे भी पढ़ें। महोदया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जिनका आज परिनिर्वाण दिवस भी है, मैं उनको नमन करते हुए मैं उनकी एक कोट कर रहा हूँ जो उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि नॉलेज इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, टू इंश्योर द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। अतः उपयुक्त सुझावों के साथ साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए महोदय मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। श्री बीवी पाटिल जी, ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ऐसी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।